कनेक्शन पर आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार टॉपिक्स ब्रायोफाइट्स। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ब्रायोफाइट्स होता क्या है या ब्रायोफाइटर कहते किसे हैं, क्योंकि आज का जो क्लास है ब्रायोफाइटर का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स होता क्या है ये चीज डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ब्रायो का मतलब होता है मॉस, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। जो मॉस का प्लांट होता है उसके बारे में अध्ययन करना, या जो ब्रायोफाइट्स होता है वो ज्यादातर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ग्रो करता है, नम स्थानों पर ज्यादातर ब्रायोफाइट्स पाया जाता है। ये ऐसा प्लांट है, नॉन वास्कुलर प्लांट होता है। ब्रायोफाइट्स क्वेश्चन में पूछता है कि फर्स्ट बार नॉन वास्कुलर प्लांट्स कौन होता है। याद होना चाहिए दोस्त आपको कि ब्रायोफाइट्स जो होता है नॉन वास्कुलर प्लांट होता है। इसमें ना ट्रू पाया जाता है, ना लीव्स पाया जाता है, ना स्टेम पाया जाता है। ये पिछले क्लास का था। अगर आप लोग ब्रायोफाइट्स नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो पर आप लोग बने रहें क्योंकि प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम का हम लोग फर्स्ट टॉपिक खत्म कर दिए एल्गी, सेकेंड टॉपिक से ब्रायोफाइट्स, अब ब्रायोफाइटा का लास्ट टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्योंकि यहां से ब्रायोफाइट्स से या प्लांट किंगडम से दो या छह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं नीट में, जिपमर में, एम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रायोफाइट्स को किसी और नाम से जानते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा के एक और नाम से जाना जाता है एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक से ये एल्गी भी बहुत ही मजेदार टॉपिक था, ब्रायोफाइट्स भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्योंकि एल्गी से एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपके हाथ में है। अगर वीडियो को आप लोग समझ के पढ़े, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़े, बायोलॉजी रटना नहीं है, अगर समझ के पढ़े वीडियो को दो या तीन बार देखें आपको एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहां से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट होना ही होना है। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जाइए तो एक बार एग्जाम्पल को आप लोग रिकॉल कीजिए कि होता क्या है, ब्रायोफाइट्स होता क्या है, एल्गी होता क्या है। एक एक चीज हमने डिस्कस किया था। अगर कहीं भी थ्योरी में कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर मेरा अगला पॉइंट है कि जो लोग इस वीडियो पर नए हैं प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग अपलोड करते रहें और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स ये है क्या? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है लीवरवर्ट, सेकेंड है मॉस। तो हम लोग पहले लीवरवर्ट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉस को डिफाइन करेंगे। क्योंकि प्लांट किंगडम बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर्स है, बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है। क्योंकि यहां से नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्लांट किंगडम कवर कर लिए तो दो से छह क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो एक क्वेश्चन नीट में आपका चार नंबर का होता है, ठीक है। तो अगर छह क्वेश्चन आया तो गुना कर लीजिए, ठीक है, दो आया, चार दुनिया आठ, आठ नंबर आपके हाथ में हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है प्लांट किंगडम, इसीलिए इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है उसको दो भागों में बांटा गया, पहला है लीवरवर्ट, दूसरा है मॉस। ये लीवरवर्ट जो होता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे आर्चेगोनियम एंथ्रेडियम, आर्चेगोनियम एंड एंथ्रेडियम। अगर आप लोग ब्रायोफाइटा का वीडियो नहीं देखे हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब है लीवरवर्ट, हम लोग पहले लीवरवर्ट को डिस्कस करेंगे उसके बाद मॉस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है लीवरवर्ट। लीवरवर्ट का ये फिगर है, इसमें एंथ्रेडियम, मेल थैलस,
आर्सेगोनियम फीमेल थैलस, ठीक है, ये है फीमेल थैलस। फीमेल थैलस को हम लोग आर्सेगोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्सेगोनियम। फीमेल थैलस को क्या बोलते हैं, आर्सेगोनियम। इस फिगर, दोनों फिगर सेम है, देखने में सेम है, लेकिन आप लोग को देखना होगा कि जो आर्सेगोनियम होता है उसका फ्लावर अलग अलग होता है, ठीक है, समझने के लिए। इसका जो फ्लावर होता है वो अलग अलग होता है, और एंथ्रेडियम का जो फ्लावर होता है वो अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। बस इसी फ्लावर से आप लोग को समझ में आएगा कि ये आर्सेगोनियम है, ये एंथ्रेडियम है, ठीक है। इस पार्ट को, फीमेल थैलस के इस पार्ट को हम लोग जीमा कप बोलते हैं, जीमा कप, जो अपने फूड को स्टोर करके रखे, ठीक है। और जो नीचे रूट निकला रहता है उसको हम लोग रेजोइड्स बोलते हैं। ये हुआ सिंपल सा फिगर लीवर वर्ट का, ये फीमेल थैलस है, इसको हम लोग आर्सेगोनियम बोलते हैं। ये हुआ मेल थैलस, नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोइड्स, जो रूट्स निकला रहता है और जो फूड को स्टोर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जीमा कप। ये हुआ आपका एंथ्रेडियम, ये सिंपल सा फिगर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिगर उतना बेटर नहीं बना पाए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि फिगर से भी आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, एम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, फिगर दे देगा और बोल देगा इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, या फिगर दे के बोल दे इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, ए वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड सी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो फ्लावर अलग है उसको हम लोग बोलते हैं आर्सेगोनियम, जो फ्लावर एक में है उसको बोलते हैं एंथ्रेडियम। आपको फिगर याद होना चाहिए कौन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्योंकि फिगर से नीट में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर एनसीईआरटी का फिगर आप लोग कवर कर लिए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट ही आजकल एग्जाम हो रहा है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग का सेकेंड क्लासिफिकेशन है मॉस। मॉस में ये जो प्लांट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनेरिया। हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्यूनेरिया क्या होता है, ठीक है। ये सिंपल सा फिगर आप लोग समझ लीजिए, ये मॉस में आता है फ्यूनेरिया, एक प्लांट है जिसको हम लोग सीटा से लेके कैप्सूल, ठीक है, सीटा से कैप्सूल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया का जो प्लांट होता है जो सीटा से, ये सीटा है, सीटा यहीं से स्टार्ट हुआ है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। लीव्स से लेके राइजोबाइट्स के वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइट्स, ठीक है। ये मेन एक्सिस हुआ, राइजोबाइट्स हुआ, ठीक है। अब ये एस्फैग्नम का प्लांट है, एस्फैग्नम, स्पीसीज ऑफ एस्फैग्नम, किसको बोलते हैं, मॉस को। ये एस्फैग्नम का प्लांट है। अब इसमें ये समझना है, जो एस्फैग्नम है ये वाले पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जिसको बर्ड्स भी बोला जाता है, इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं आर्सेगोनियल ब्रांच, ठीक है। लेकिन जो ये फ्लावर है, ये इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडियल ब्रांच। ये किसका प्लांट है, एस्फैग्नम का। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर वर्ट। आप लोग इस फिगर का स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग का पहला टॉपिक से लीवर वर्ट। जो लीवर वर्ट होता है इसको वेस्टर्न हिमालय में गोल्डन माइंड के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न हिमालय में इसको किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन माइंड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लीवर वर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला लीवर वर्ट और सेकेंड जो है मॉस। क्योंकि यहां से नीट में, जिपमर, एम्स, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो लीवर वर्ट है,
क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स का पहला टॉपिक से लीवर वर्ट, जो लीवर वर्ट्स है उसको हिमालय में गोल्डन माइंड के नाम से जाना जाता है। गोल्डन मतलब हुआ येलो कलर, जो ये है मतलब येलो जैसे गोल्डन, जो भी सोना चांदी सोना होता है उस टाइप में ये प्लांट होता है। जो लीवर वर्ट है ये ज्यादातर छायादार स्थानों पे पाया जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे छायादार स्थान हो या नदी के किनारे हो या मिट्टी गीला हो वहां पे लीवर वर्ट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं। ठीक है, इसका एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर वर्ट का। आप लोग देखिए लीवर वर्ट, ठीक है, पहला पॉइंट है लीवर वर्ट का, वेस्टर्न हिमालय एज कार्ड गोल्डन माइंड ऑफ लीवर वर्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन माइंड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत वीवीआई है एग्जाम के लिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है लीवर वर्ट का ये जिपमर में आया हुआ है कि वेस्टर्न हिमालय में लीवर वर्ट को किसी और नाम से जानते हैं, उस नाम को बताएं तो गोल्डन माइंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द लीवर वर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैंडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, या मार्शी ग्राउंड या डैम्प सॉयल या बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन ओट्स। कहने का मतलब ये है जो लीवर वर्ट होता है वो प्रायः छायादार स्थानों पर पाया जाता है। लीवर वर्ट प्रायः जितने भी छायादार स्थान होगा लीवर वर्ट वहां ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कि नदियों के किनारे, दलदल स्थानों एंड गीली मिट्टी एंड पेड़ों की छालों आदि इटीसी स्थानों पर उगते हैं। जो लीवर वर्ट होता है, लीवर वर्ट का जो प्लांट होता है, जो प्लांट है लीवर वर्ट का, वो ज्यादातर कहाँ ग्रो करेगा? नदी के किनारे, दलदल स्थान, गीली मिट्टी या पेड़ के छाल पे ग्रो करता है। क्योंकि लीवर वर्ट जो प्लांट है इसमें दो तरह का प्लांट होता है, पहला प्लांट है फीमेल, दूसरा है मेल। मेल वाले प्लांट को हम लोग एंथ्रेडियम बोलते हैं और फीमेल वाले प्लांट को हम लोग आर्चेगोनियम बोलते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइटा में हम लोग एक एक चीज डिस्कस किए थे कि ब्रायोफाइटा में मेल प्लांट को क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। अगर ब्रायोफाइट्स का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ट इज थैलोइड। जो लीवर वर्ट का प्लांट होता है उसका बॉडी होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलोइड होता है। ठीक है, थैलाब बोलते हैं इसको हिंदी में, थैलाब बोलते हैं। लीवर वर्ट का जो बॉडी होता है या थैलाब होता है वो थैलाब होता है। उसका एग्जाम्पल होता है मार्केंटिया। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में, इसको आप लोग वीवीआई कर जाइए। ठीक है, जो लीवर वर्ट का प्लांट बॉडी होता है, लीवर वर्ट का जो बॉडी होता है उसमें दो तरह का प्लांट होता है, पहला मेल प्लांट, दूसरा फीमेल प्लांट। उसका जो बॉडी होता है वो थैलोइड होता है। थैलोइड का एग्जाम्पल क्या होगा? मार्केंटिया। नेक्स्ट पॉइंट है द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, जो थैलस का पृष्ठाधर होता है, जो फैलस का पृष्ठाधर होते हैं, थैलस कैसा होगा? पृष्ठाधर होता है। ठीक है, तथा अध अस्तर से बिल्कुल चिपके रहते हैं। जो एक चीज समझिए, जो प्लांट है ये मेल प्लांट है, ठीक है, ये फीमेल प्लांट है। जो मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट होता है ये पृष्ठाधर होते हैं, थैलस इसमें जो पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है, ये पृष्ठाधर होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मेल एंड फीमेल जो प्लांट होता है एक दूसरे से बिल्कुल चिपके रहते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रो ऑन द एस्टीएम लाइक स्ट्रक्चर। अब जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे लीवर वर्ट का फिगर,
उसमें जो उसका लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिवरवर्ट का जो प्लांट होता है वो लीफ लाइक होता है, उसका बॉडी नहीं होता, प्लांट का बॉडी नहीं होता है, स्टेम भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो उसका स्टेम, उसका जो पत्ता होता है वो दो रो में होता है, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, टू रो में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर उसका दो रो होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि लिवरवर्ट का जो है आपका स्ट्रक्चर है, लिवरवर्ट का जो फिगर है वो कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टू स्टेम मतलब दो संरचनाएं होती हैं, दो आकार होता है, किसका, स्टेम का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवरवर्ट का, टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, किसके द्वारा होगा, जब लिवरवर्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है, ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो जेमा होता है लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस विखंडन द्वारा होता है, लिवरवर्ट में जो थैलस होता है उसका विखंडन होता है, किसका, थैलस का, अथवा विशिष्ट संरचनाएं होती है उसी को हम लोग बोलते हैं जेमा। विशिष्ट संरचनाएं कौन बनाता है, तो जेमा जो है विशिष्ट संरचनाएं बनाता है, इसमें थैलस का विखंडन होता है। यह हुआ लिवरवर्ट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिवरवर्ट का नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, मतलब लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन के दौरान जो नर एंड मादा होते हैं, लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पे रहता है या दूसरे थैलस पे बन जाता है, क्योंकि दूसरे थैलस पे बनते हैं। इसमें जो नर एंड मादा मतलब जो मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लैंगिक अंग उसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है, जो सेक्स ऑर्गन होता है या तो थैलस पे बनेगा, या तो जो फर्स्ट थैलस है उस पर बनेगा, या तो दूसरा जो थैलस होता है उस पर ये अपना काम करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल एंड फीमेल, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ज्यादातर थैलस पे डिपेंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फोर सीटा एंड कैप्स्यूल। स्पोरोफाइट में मतलब जो स्पोरोफाइट होता है लिवरवर्ट के अंतर्गत जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उसमें फूट सीटा एंड कैप्सूल होते हैं। फूट का मतलब होता है पाद और सीटा का मतलब सीटा, कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल को हम लोग मार्केंसिया भी बोलते हैं या मार्केंडिया भी आप लोग बोल सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, मतलब मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। जब मान लीजिए किसी चीज में मियोसिस हो रहा है, वो टूट रहा है, मियोसिस करके दो पार्ट बना रहा है, तो क्या बनाता है, किसी भी स्पोर में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाता है, ठीक है, कैप्सूल बनाता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। जो लिवरवर्ट में जो कैप्सूल होता है उसमें क्या बनता है, स्पोर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोर, ठीक है, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, मतलब स्पोर से जब स्पोर अंकुरित होता है, वो जब अपना एक से दूसरा जनरेट करता है, जर्मिनेट करता है, अपने मेल या फीमेल प्लांट्स में जो स्पोर बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, वो अंकुरित होकर, अंकुरित होने के कारण या अंकुरित होकर मृत जीवी युग्मक भेद बनाते हैं। मृत जीवी युग्मक भेद को बोलते हैं स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट होते हैं। क्यों, ये स्पोर
से अंकुरित होता है। जैसे मान लीजिए कि लीवरवर्ट का प्लांट है मेल और फीमेल एंड मेल। अब इसमें एस्पोर होता है, एस्पोर जब अंकुरित होगा, अंकुरित होकर, ठीक है, अंकुरित होने के कारण या अंकुरित होकर एस्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स का सेकेंड टॉपिक्स, सॉरी ब्रायो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला था लीवरवर्ट, अब सेकेंड है मॉस। लीवरवर्ट यहाँ खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉस। मॉस होता क्या है? मॉस जो होता है वो ज्यादातर जीवन चक्र पर डिपेंड करता है। ये भी ज्यादातर छायादारों स्थानों में पाया जाता है, नम मिट्टी में भी पाया जाता है, गीला स्थानों पर पाया जाता है, ठीक है। अब है मॉस, मॉस का जो लाइफ साइकिल होता है ऑन द गैमेटोफाइट विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द टू स्टेज, मतलब जो मॉस का जीवन चक्र होता है उसका जो अवस्थाएं होती है उसको हम लोग युग्मक भेद बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। मॉस का जो जीवन चक्र होता है, जो लाइफ साइकिल होता है, उस अवस्था को हम लोग गैमेटोफाइट्स या युग्मक भेद बोलते हैं। जो मॉस का जो जीवन चक्र होता है वो दो स्टेज में होता है, पहला फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा और सेकेंड स्टेज होता है लीफ स्टेज होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका दो अवस्थाएं या दो स्टेज में, फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड प्रोटोनेमा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे? प्रोटोनेमा बोलते हैं। वैसे ही सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं लीफ स्टेज, ठीक है। तो मॉस का जो जीवन चक्र होता है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पहला फर्स्ट स्टेज, दूसरा सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? दिया इज कॉल्ड, फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनेमा। फर्स्ट स्टेज को हम लोग प्रोटोनेमा के नाम से जानते हैं, प्रोटोनेमा स्टेज भी कहा जाता है। विच डेवलप्ड डायरेक्टली स्पोर, मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है प्रोटोनेमा का, सॉरी मॉस का, दो अवस्थाएं होती है, पहला फर्स्ट दूसरा सेकेंड। हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट अवस्थाएं होती है उसको हम लोग तंतु कहते हैं, ठीक है। और तंतु में ही प्रोटोनेमा जो स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, उसी में एस्पोर डेवलप होता है, एस्पोर बनता है। यह पहली अवस्थाएं को तंतु कहा जाता है जो एस्पोर बनाता है। प्रोटोनेमा में ही क्या होता है? एस्पोर डेवलप होता है। वैसे ही सेकेंड स्टेज मॉस का जो जीवन चक्र के आधार पर उसको दो भाग में बांटा गया, पहला फर्स्ट स्टेज, दूसरा सेकेंड स्टेज। जो सेकेंड स्टेज है इसको लीफ स्टेज भी कहा जाता है। ये विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज द लैटरल बड्स, मतलब दूसरी अवस्थाएं जो होती है, दूसरी अवस्थाएं होती है सेकेंड स्टेज की, जो दूसरी अवस्थाएं होती है वो पत्ती की तरह होती है, मतलब लीफ, मतलब लीफ मतलब हुआ पत्ता। ये पत्ता के तरह इसकी अवस्थाएं होती है, संरचनाएं होती हैं, जो प्रथम तंतु से लैटरल बड के रूप में उत्पन्न होता है। जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है ये प्रथम है, फर्स्ट स्टेज मतलब तंतु से उत्पन्न होती है, जिसको लैटरल बड के रूप में उत्पन्न होती है। जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है ये डाइवर्ट कर जाता है लैटरल बड्स के रूप में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, मॉस का नेक्स्ट पॉइंट है दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांचेड राइजोबाइट्स, ठीक है। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गेन, जो अटैच रहता है ये बहुकोशिकीय, मतलब जो ये मॉस है ये बहुकोशिकीय होता है और ये मुलाव द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है। जो मॉस होता है, जो मॉस का प्लांट लगाया जाता है, ये बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है और मुलाव द्वारा मिट्टी से अटैच रहता है। जैसे कहीं भी मिट्टी हो वहां अगर मल्टी सेलुलर ब्रांचेड राइजोबाइट्स हो तो वो मिट्टी से अटैच रहता है,
इस अवस्था में लैंगिक अंग बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। जिस अवस्था में मूलांग अटैच रहता है, मिट्टी से अटैच रहेगा, राइजोबाइट्स जो ब्रांचेड राइजोबाइट्स है वो मिट्टी से अटैच रहता है, इसमें सेक्स ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। किसमें? मॉस प्लांट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्केल आर अब्सेंट इन फ्यूनेरिया। ये जो स्केल आर अब्सेंट इन फ्यूनेरिया, किसमें अब्सेंट रहता है स्केल? फ्यूनेरिया में। ये जिपमर में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्केल किसमें अब्सेंट रहता है, ये मॉस के अंतर्गत स्केल आता है उसके अंतर्गत अब्सेंट रहता है। फ्यूनेरिया में स्केल अब्सेंट रहता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, अभी लिवर वर्ड कंप्लीट किए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं मॉस। जो मॉस होता है, मॉस के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइडम है, एस्फेग्नम है, हम लोग एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फ्यूनेरिया होता है उसमें स्केल अब्सेंट रहता है। ये जिपमर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोरोफाइट्स इन मॉस इज मोर इलाबोरेटेड देन दैट इन लिवर वर्ट। ठीक है, जो मॉस में स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट लिवर वर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इसलिए कि लिवर वर्ट में स्पोरोफाइट विकसित नहीं होता है, लेकिन मॉस में जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, तो वहां दिया हुआ है कि मॉस में स्पोरोफाइट लिवर वर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है बायो कनेक्शन, जो चैनल है मेरा, ये इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम है। बहुत सारे बच्चों का कहना है मैम इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए बहुत आसानी है हिंदी मीडियम में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। इसलिए कोई भी क्लास हो, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या शॉर्ट वीडियो जो भी है, उस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ये चैप्टर्स है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, यहाँ से हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी नीट लेवल का एग्जाम है, जिपमर लेवल का एग्जाम है और एम्स लेवल का, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है बाबू, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग का प्लांट किंगडम चैप्टर कम्प्लीट हो गया तो 6 क्वेश्चन आपके हाथ में, बायोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन कम्प्लीट हुआ तो वहां से 4 क्वेश्चन आपके हाथ में, तो 6 × 4 = 10, 10 क्वेश्चन आपके हाथ में। अगर 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आपके हाथ में है तो सोचिए हम लोग एक एक चीज डिस्कस करके पढ़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए एक एक चीज को कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, समझ के पढ़िए और बायोलॉजी को बिल्कुल मत रटिए, क्योंकि रटने से आज रटिए कल भूल जाइएगा। ठीक है, तो समझ के पढ़िए, और कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको मिलकर सॉल्व करेंगे कि कौन सा टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मॉस का नेक्स्ट पॉइंट है द कैप्सूल कंटेन स्पोर। मतलब जो कैप्सूल होता है, जो मॉस प्लांट में जो कैप्सूल पाया जाता है, या मार्केंटिया बोलते हैं, मार्केंसिया, जो मार्केंसिया में कैप्सूल पाया जाता है, या जो कैप्सूल बनते हैं, फिगर में हम लोग डिस्कस किए थे कैप्सूल, ठीक है, उसमें कैप्सूल होता है, उसमें एस्पोर बनता है, कैप्सूल में भी एस्पोर बनता है। ठीक है, दिया एस्पोर आर फॉर्मेड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस होने के बाद ही एस्पोर बनता है। ठीक है, जब कैप्सूल में एस्पोर बनता है तो मियोसिस होने के बाद ही एस्पोर बनता है। जब कोई भी चीज आपस में टकराएगा, मियोसिस होगा, उसके बाद ही स्पोर का निर्माण करता है। स्पोर मतलब होता है बीजाणु, बीजाणु बनता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस। मॉस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, या मतलब बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बॉडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा।
कहने का मतलब ये है कि मॉस में जो कायिक जनन होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन होता है, कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मॉस में वो किसके द्वारा होगा? विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मॉस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आर्चिगोनियम एंड एंट्रेडियम के द्वारा होता है, जिसमें दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज द सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। मतलब लैंगिक जनन में लैंगिक अंग को पुधानी और स्त्रीधानी भी कहते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका जो ऑर्गेन होता है, सेक्स ऑर्गेन होता है, उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट से आपका एंथ्रेडिया, दूसरा पार्ट है आर्चेगोनिया। तो जो एंथ्रेडिया होता है या आर्चेगोनिया होता है उसको पुधानी और स्त्रीधानी बोलते हैं। लेकिन जो पुधानी और स्त्रीधानी होते हैं वो दिया है लीफी सूट्स, जो लीफ का पत्ता होता है उसके ऊपर सबसे ऊपर वाले पार्ट पे स्थित होता है, उसके चोटी पे स्थित होता है। कौन? एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रेडिया जो होता है वो मेल पार्ट हुआ, आर्चिगोनिया जो हुआ वो फीमेल पार्ट हुआ, ठीक है। तो जो लीफ का पार्ट होता है उस पे ये उसके चोटी पे स्थित रहता है, पत्ता के ऊपर ये डिपेंड करता है। कौन? एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डेवलप इंटू ए स्पोरोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ ए फूट सीटा एंड कैप्सूल। मतलब कहने का मतलब ये है कि निषेचन के बाद जो युग्मज में स्पोरोफाइट विकसित होते हैं, निषेचन जब अपना करता है उसमें स्पोरोफाइट जब विकसित होता है उसी को फूट सीटा एंड कैप्सूल में विभाजन कर दिया जाता है। जब निषेचन होगा, जायगोट जब डेवलप करता है स्पोरोफाइट में, मतलब वो पूरे तरह से डेवलप हो जाता है युग्मज में, जब डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, वो किस में विभाजन करेगा? जाके फूट में, सीटा एंड कैप्सूल में विभाजन हो जाता है। कौन? स्पोरोफाइट्स। एग्जाम्पल ऑफ मॉस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि नीट, जिपमर, एम्स, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होते हैं, प्लांट किंगडम से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बार बार रिवाइज कर रहे हैं, कि बार बार बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो या छह आपके हाथ में, ठीक है। तो जो मॉस का एग्जाम्पल होता है, फ्यूनेरिया होगा, पॉलीट्राइकडम होगा, एस्फेग्नम होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, जो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, किसको? फ्यूनेरिया का, जो फ्यूनेरिया के अंतर्गत जो कैप्सूल पाया जाता है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है बेसल एपोफाइसिस, दूसरा सेंट्रल थीका, तीसरा टर्मिनल अपर कोलम, ठीक है। जो बेसल एपोफाइसिस होता है, फ्यूनेरिया का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो ग्रीन फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाता है, इसीलिए ये हरा होता है। सेंट्रल मतलब हुआ बीच में, ये मिडिल फर्टाइल होता है, निषेचन करता है बीच में, ना ऊपर करेगा ना नीचे करेगा, बीच वाले पार्ट को फर्टाइल करता है। टर्मिनल अपर कुलम ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स ऑर्गेन इन ब्रायोफाइटा। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गेन था, मेल सेक्स ऑर्गेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन, जस्ट लाइक उसी तरह मॉस में भी मेल सेक्स ऑर्गेन होता है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन होता है, ठीक है। क्योंकि ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पहला पार्ट था लिवरवर्ट, सेकेंड दूसरा पार्ट है आपका मॉस। तो मॉस में भी आपका मेल सेक्स ऑर्गेन होता है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडियम,
मेल सेक्स ऑर्गेन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। जो एंथ्रेडियम होता है उसका शेप क्लब शेप्ड होता है और ऑरेंज कलर होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गेन होता है, पुधानी जो लैंगिक अंग होता है, उसका जो कलर होता है वो कैसा होगा? ऑरेंज होगा। जो जितने भी प्लांट्स है ये मतलब पत्ता के ऊपर या लीव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कलर कैसा होगा, शेप कैसा होता है, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गेन जो होता है उसको बोलते हैं आर्चेगोनियम। इसका जो शेप होता है फ्लैग शेप्ड होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गेन इज टू पार्ट्स। फीमेल सेक्स ऑर्गेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है नेक्स और दूसरा पार्ट है वेंट्रल। और इट इज पासिस नंबर, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि नेक कैनाल सेल का कितना नंबर होता है, ठीक है। नेक कैनाल सेल का कितना नंबर होगा? 8 से 10। किसमें आएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गेन में, ठीक है। उसके बाद जो मेल सेक्स ऑर्गेन का सेकेंड पॉइंट है, विद इन जैकेट लेयर ए मॉस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल द प्रेजेंट। मतलब मेल सेक्स ऑर्गेन में जब स्पर्म का प्रोड्यूसिंग होता है इसमें प्रेजेंट रहता है, जस्ट लाइक ह्यूमन जैसा, ठीक है। ये ऐसा प्लांट है, मॉस ऐसा प्लांट है, इसमें मेल पार्ट्स भी पाया जाता है एंड फीमेल पार्ट्स भी पाया जाता है। जिस पार्ट में मेल एंड फीमेल हो उसी पार्ट्स को हम लोग ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेल पार्ट्स होता है उसको एंथ्रेडियम और जो फीमेल पार्ट्स होता है उसको हम लोग आर्चेगोनियम। ये प्लांट के बात हो रही है, ठीक है, ह्यूमंस का बात नहीं हो रहा है। जो प्लांट का पार्ट है मेल सेक्स ऑर्गेन, वैसा प्लांट जिसमें मेल सेक्स ऑर्गेन पाया जाता हो उसको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चेगोनियम बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे एल्गी वर्सेस ब्रायोफाइट्स, मतलब एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में एल्गी को कंप्लीट किए थे। एल्गी क्या है, एल्गी कहाँ पाया जाता है और एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। पहला क्लोरोफाइसिया, थियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। अगर एल्गी का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। इसलिए जब तक आप लोग एल्गी का वीडियो नहीं देखेंगे तो ब्रायोफाइट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्रायोफाइटा एल्गी रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखेंगे किसमें क्या अंतर है, तब आपको समझ में आएगा कि एल्गी में क्या होता है और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ठीक है। अब है एल्गी। एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है वो यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस और थायरॉइड्स होता है। यूनिसेलुलर मतलब हुआ एक कोशिकीय, ठीक है। मल्टीसेलुलर बहुत सारा, फिलामेंटस तंतु होता है एंड थैलाब भी होता है इसमें। ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी होता है कैन बी थैलॉइड और लीफी होता है। अभी हम लोग देखेंगे जो ब्रायोफाइट होता है लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें लीफ ज्यादा पाया जाता है। लीफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट होता है उसका जो प्लांट होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एल्गी का सेकेंड पॉइंट है, सेक्स ऑर्गेन आर नॉट कवर्ड बाई स्टराइल जैकेट। मतलब एल्गी में जो सेक्स ऑर्गेन होता है वो कवर नहीं होता है, खुला रहता है, वो कवर रहेगा ही नहीं। स्टराइल जो इसमें जैकेट होता है वो कवर नहीं रहता है। लेकिन जो ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गेन होता है वो कवर रहता है, कवर्ड बाय स्टराइल जैकेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, फीमेल सेक्स इज ओगोनियम। जो एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओगोनियम, ठीक है। लेकिन जो ब्रायोफाइटा मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनियम। ये हुआ एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ आपका खत्म हुआ ब्रायोफाइट्स क्लासिफिकेशन, और ब्रायोफाइटा भी खत्म हो गया। अगर ब्रायोफाइट्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग कम्प्लीट किए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 डिवीजन किया गया है। पहला लीवरवर्ट, सेकेंड मॉस। अगर लीवरवर्ट एंड मॉस में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये मेरा चैनल है बायो कनेक्शन, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरिडो फाइटर, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।